वेलकम बैक टू माय चैनल थम्स किचन। थम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने परवल की एक बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाई है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जार में कुछ लहसुन की कलियां लेंगे, थोड़ा अदरक लेंगे, हाफ चम्मच जीरा लेंगे, एक चम्मच के लगभग साबुत धनिया लेंगे, एक कटा हुआ प्याज डालेंगे, दो हरी मिर्च मिलाएंगे। अब इसमें एक कटा हुआ टमाटर मिलाएंगे और इन सभी का एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मसाला पेस्ट बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, परवल के साइड के भाग को मैंने काट लिया है। अब परवल को एक साइड से काट लेंगे और परवल के बीज को बाहर निकाल लें और इसी तरह सभी परवल पर चीरा लगाकर इसके बीज को बाहर निकाल लें। अब दूसरी ओर एक कढ़ाई गर्म करें, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालें, हल्का सा जीरा मिलाएं, कटे हुए लहसुन की कलियां मिलाएं, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाएं और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज मिलाएं, साथ ही हाफ चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। अब इसके साथ 1 चम्मच के लगभग चिकन मसाला पाउडर मिलाएं। अब इसमें 2 उबले हुए आलू मिलाएं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर हल्का फ्राई कर लें। इसे बिल्कुल सूखा कर फ्राई करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लें। अब इस तैयार किए गए मसाला आलू को परवल में भरते जाएं। सभी परवल में इसी तरह आलू के इस मसाले को फिलअप करते जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी परवल को फिलअप कर लिया है कुछ इस तरह से। अब दूसरी ओर कढ़ाई में तेल गर्म करें। अब इसे कॉर्नफ्लोर और बेसन के घोल में डुबोकर तेल में एक एक कर फ्राई करते जाएं। परवल को सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये देखिए मैंने सभी परवल को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये तैयार है हमारा परवल पकौड़ा। इसे ऐसे ही सॉस के साथ खाया जा सकता है। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा डालें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और जो मसाला तैयार किया था उसे मिलाकर अच्छी तरह फ्राई करें। साथ ही स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालें, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर डालें और 1 कटा हुआ टमाटर डालें। अब इन सभी को 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लें। मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाने पर अब इसमें 1 गिलास पानी मिलाएं। जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार पानी मिला सकते हैं। स्वाद के लिए इसमें हल्की कसूरी मेथी मिलाएं। ग्रेवी में उबाल आने पर इसमें 1-1 परवल के पकौड़े को डालते जाएँ और 5 से 10 मिनट पकाएँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।